ये देखिए आवाज से ही लग रहे हैं ना बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी और कैसे बनेंगे तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों की समझ में आएगा। दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आलू से पापड़ बनाना बताएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी। और पापड़ बनाने में हमारे दोनों बच्चे मदद कराएंगे, समर और समीरा। तो सबसे पहले हम सामग्री बता देते हैं। सामग्री में हमने आलू को उबाल लिया है, आलू करीब 5 किलो है। थोड़ा सरसों का तेल ले लिए है, आप कोई भी खाने वाला ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा जीरा ले लिए है 1 बड़ा चम्मच, लाल तीखी मिर्च ले लिए हैं और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये पापड़ बनाने वाली मशीन है और ये इसे रेतेंगे आलू को। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। समझ चलो छीटो, दोनों लोग छीटो जल्दी जल्दी। आलू हमने सभी आलू छील लिया है, आइए अब इन्हें रेतते हैं। ये बड़ी वाली जाली में रेतेंगे। सभी आलू इसी तरीके रेत लेते हैं। सभी आलू हमने रेत लिया है, आइए लाल सूखी मिर्च और नमक को पीस लेते हैं। सिलबट्टे में हम पीस लेते हैं। आप लाल कुटी मिर्च भी ले सकते हैं, जैसे पीसी हुई आती है तो इनको पीस लेते हैं। नमक मिर्च डाल देते हैं। अब हम जीरा डाल देंगे, अब इनको मिला देते हैं। अच्छे से हमने मिला लिया है, आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने ऑयल हाथों में इस तरीके लगाएंगे। आप जिस आकार में पसंद करते हो उस तरीके बनाइए, छोटा बड़ा आकार में। ये हमने इतना बना लिया है गोला, अभी इनको भी बना लेते हैं। आइए इनको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए इनको फैलाते हैं अभी। आइए इन्हें फैला देते हैं। इसी तरीके सभी पापड़ बना के धूप में फैला देंगे।
एक तरीका आपको और बता रहे हैं, जैसे आपके पास मशीन ना हो तो इस तरीके बनाइए, इस तरीके पॉलीथीन रखेंगे और थाली से हम दबा देते हैं। ये देखिए, ये और जल्दी होता है। एक तरीका ये है, हथेलियों से फैला कर बना दीजिए इस तरीके। इसी तरीके सभी पापड़ हम बना लेते हैं। सभी पापड़ हमने बना लिया है, अब इनको धूप में सूखने देते हैं। दो दिन तक हो चुके हैं, दो दिन बढ़िया से धूप में सूख चुका है पापड़, तो आइए इन्हें टंकी में डाल देते हैं। और ये हमने साबुदाना का पापड़ बनाया था, इसकी वीडियो नहीं बनाए हैं। मैं जल्द से जल्द साबुदाना का पापड़ और चावल का पापड़, मैदा का पापड़, बहुत सारे पापड़ की वीडियो बना के फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इनको इस तरीके से डाल देते हैं। आइए और छान लेते हैं। आइए पापड़ अब छानना शुरू करते हैं। तेल काफी गर्म है, इससे पहले हम चिप्स का वीडियो बनाए हैं, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। ये बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी पक जाता है ये पापड़। तो इसी तरीके हम पापड़ छान लेते हैं जितना हमें जरूरत है खाने के लिए। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंचे। दोस्तों कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई गलतियां हो माफ करिए। होली आने वाली है, किसी दिन मैं गुजिया का वीडियो लेकर आऊंगी और भी सारे पापड़ का वीडियो बना लूंगी। तो इसी तरीके हम पापड़ छान लेते हैं, आप इसे चाय के साथ या इसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए आवाज से ही लग रहे हैं ना बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची।